सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप आउट देयर, इट्स मी अभिषेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ बजाज पल्सर 150 BS6 के बारे में। तो दोस्तों, बिना कुछ डिले करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला डिसएडवांटेज है ना बजाज पल्सर 150 का, वो ये है कि अगर आप पल्सर सीरीज की कोई भी बाइक खरीदने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। पल्सर सीरीज में आपको फट से अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आपने ये बाइक देखा होगा, बहुत पहले से सेम डिज़ाइन के साथ आ रहा है, यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं होता। बस BS6 में आपको ये अंडर वेली मिलता है, वही चेंजेस है। और BS6 में आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS अलॉन्ग विद डुअल डिस्क, बस वही चेंज है बाइक का। जब से बाइक लॉन्च हुआ ना, तब से वो दोनों चीज़ ही चेंजेस है और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। इसलिए अगर आप पल्सर सीरीज़ की कोई भी बाइक खरीदने जा रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि पल्सर में आपको फट से कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। तो मेरी तरह से ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मैं बजाज कंपनी से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि दूसरी कंपनी की बाइक देख सकते हो आप, यामाहा MT-15 का भी दूसरा वर्जन आ गया, लेकिन पल्सर 150 का कोई वर्जन देखने को नहीं मिलेगा आपको अपकमिंग फ्यूचर में भी, कोई नहीं। जो लॉन्च करते हैं वही आपको सेल करते हैं। तो ये चीज़ में मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ मैं पल्सर की तरफ। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेज का, वो ये है कि इसमें आपको अभी भी इंडिकेटर लाइट मिलता है। कमिंग टू द 2022 ईयर, सभी बाइक में आजकल मिलता है LED इंडिकेटर्स, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलता है LED इंडिकेटर्स। इसमें आपको हेलोजन बल्ब देखने के लिए मिलता है अभी भी इंडिकेटर्स में। और हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलता है, जो कि दूसरी 150cc की बाइक में आपको मिलता है LED हेडलैम्प्स और LED इंडिकेटर्स लाइट। इसमें मैं अभी भी डिसअपॉइंट हूँ पल्सर की तरफ, जो बजाज का कंपनी उसमें मैं अभी भी डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि अभी भी यही चीज़ आ रहा है, सेम चीज़ कंटिन्यूस हो रहा है। तो ये चीज़ चेंज कर देना था वो लोग को, यहाँ पे इंडिकेटर जो बल्ब है उसको LED दे देना था, और हेडलैम्प जो है उसको LED देना था, और इंडिकेटर्स को भी LED देना था। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है पल्सर सीरीज में, और इस चीज़ में मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ पल्सर 150 के तरफ, बजाज कंपनी की तरफ। इसलिए मुझे ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज लगा। आपके मन में क्या रही है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इस बाइक का जो तीसरा डिसएडवांटेज है ना, वो मुझे ये लगा कि इसमें अभी भी आपको मीटर कंसोल उतना अच्छा नहीं मिलता है और कनेक्टिविटी नहीं मिलता है इस बाइक में। तो मीटर कंसोल में ना टाइम वगैरह होना चाहिए था, इसमें टाइम नहीं है अभी तक। यहाँ पे आपको 2 ट्रिप मिलता है, उसको आप रीसेट भी कर सकते हो। और ओवरऑल जो मीटर कंसोल है ना, वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। यहाँ पे आपको मिलता है डिजिटल और एनालॉग मीटर, जो कि पहले से आ रहा है, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो ये मुझे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस लगता है। और पल्सर सीरीज़ में ना गाइस, कनेक्टिविटी नाम का चीज़ कहीं नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भी फीचर नहीं करता है, यहाँ पे ब्लूटूथ देना चाहिए था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे कि आजकल का एंटोर में होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वैसे ही कनेक्टिविटी यहाँ पे देना था, कनेक्टिविटी फीचर्स जो कि इस बाइक में मिसिंग है। बजाज इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है, पता नहीं बजाज किस चीज़ में ध्यान दे रहा है, लेकिन इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ देना चाहिए था, सभी बाइक में आता है 155cc का, MT-15 में भी आता है कनेक्टिविटी, लेकिन इस बाइक में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, वही आता है सेमी एनालॉग और सेमी डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पे मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज लगता है इस बाइक में। तो दोस्तों, ये मुझे बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज लगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट को 3rd पॉइंट में रखा है। तो मिलते हैं आपसे 4th पॉइंट में। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं 4th पॉइंट में। तो 4th पॉइंट में ये है कि इसमें आपको पावर कम मिलता है कम्पेयर टू अदर 150cc सेगमेंट। 150cc सेगमेंट का दूसरा जो बाइक है ना, उससे आपको यहाँ पे पावर कम देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको मिलता है 14 PS की पावर, हालांकि इसमें टॉर्क बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसमें पावर बहुत ही कम है। मैंने दूसरी 150 और 155cc की बाइक भी चलाई थी, उसमें मैंने देखा BSP बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन इसमें थोड़ा कम है BSP। तो इस चीज़ में मैं डिसअपॉइंट हूँ, हालांकि इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, वो अलग बात है। तो ये पॉइंट को मैंने टॉप 4 में इसलिए रखा है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज लगता है पल्सर में। तो दोस्तों, 5वें पॉइंट में हम बात करते हैं इस बाइक का कुछ सिगरेट्स के बारे में, जो कि मैंने फील किया है 2 सालों में इसको चला के। तो मेरा दूसरा भी पल्सर 1 है, तो वो मेरा पुराना पल्सर था, मैंने फील किया है कि इसका टॉप सिगरेट डिसएडवांटेज वो मैं आपको बताऊँगा। पहले बैठ देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गया मैं, पहले बैठ के बात करते। तो जो 2 सालों में चला के मुझे ये लगा ना, इस बाइक में जो कमी है वो ये है कि इस बाइक का साउंड, शुरू में तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है बाइक चलाने के लिए, 150cc का है, आपको बहुत ही अच्छा आने लगने वाला है, अच्छा फील होने वाला है, वाइब्रेशन कम है, इंजन बहुत रिलायबल है, BS6 कंप्लाइंट है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ आपको ये फील होगा कि इसमें अलग तरह का साउंड एक निकल के आता है इंजन की तरफ से,
और इसका जो चेन नॉइस है ना वो भी बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू अदर बाइक्स। पल्सर सीरीज़ में चेन नॉइस का बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है, चेन इशूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, चेन फिक्सिंग प्रॉब्लम होता है जो कि आजकल यूट्यूब में जाना जाता है, चेन फिक्सिंग प्रॉब्लम वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस बाइक का इंजन में ना इंजन में से कुछ अलग सा साउंड आता है, पहले तो बहुत अच्छा होता है, जब ये बाइक पुराना होता जाएगा ना समय बीतते जाएगा तो आपको बहुत ही इरिटेशन वाला साउंड फील होने वाला है, खिरखिर खिरखिर वाला आवाज़ ना कुछ ऐसा आता है। पहले में जो इसका एग्जॉस्ट नॉइस है ना वो बहुत बेस्ट टाइप का है, भू 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 टाइप का आपका कान में नहीं लगता है, जब ये बाइक पुराना हो जाता है ना तो आपको कान में लगने वाला है, इसमें बहुत इरिटेशन वाला साउंड आता है खिरखिर खिरखिर टाइप का चलाने में। तो वो सीक्रेट मैंने खुद पॉइंट किया इस बाइक को चला के, तो मैं उस हिसाब में दोस्तों इस बाइक के लिए डिसअपॉइंट हूँ वो साउंड के लिए जो मुझे अभी भी पसंद नहीं है पल्सर में, बाकी सब ठीक है इस बाइक का। तो डिसएडवांटेज वीडियो में यहाँ पे मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, आपने एडवांटेज वीडियो में देख लिया, मैंने अच्छा ही बताई थी, तो सभी बुराई चीज़ मैंने बता दिया इसमें आपको, टॉप 5 डिसएडवांटेज ऑफ बजाज पल्सर 150 के बारे में बताया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले स्टे सेफ स्टे होम एंड ऑलवेज राइड हार्ड एंड सेफ ब्रो, डोंट ट्रैवल योर मदर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।